श्रीधाम बरसाना में श्री राधा रानी के भक्तों के लिए रोपवे शुरू यानी उड़न खटोला शुरू। लेकिन इसकी यात्रा करने से पहले आपको इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना होगा, नहीं तो दर्शन छूटने की संभावना अधिक बनी है। इसकी सबसे पहले जानकारी हम आपको देते हैं कि इसका जो टिकट है वो आने जाने का अप एंड डाउन 100 रुपये है। बड़ों के लिए अगर एक तरफ यात्रा करते हैं तो 60 रुपये है। बच्चों के लिए दोनों तरफ का अप एंड डाउन 60 रुपये है। बच्चों के लिए एक तरफ से जाने के लिए मात्र 30 रुपये है। तो सबसे पहले इस रोपवे से अगर हम राधा रानी का दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसके लिए अतिरिक्त समय लेकर के चलें, या तो कुछ खास फेस्टिवल जो भीड़ के समय होते हैं, जैसे वीकेंड होता है सैटरडे संडे, तो आप रोपवे का इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो अपने हाथ में अधिक समय लेकर के ही करें। जैसे कि मंदिर का समय जो उचित निर्णय निर्धारित की गई है, तो उस हिसाब से रोपवे में अभी थोड़ा विलंब चल रहा है। देखिए, उड़न खटोला से रोपवे से भक्त जो हैं श्री राधा रानी के दरबार में जाते हुए, और आप सामने भी देख रहे हैं श्री राधा रानी सरकार का जो मंदिर है, जस्ट मंदिर के पीछे यह रोपवे की सुविधा है। और जाने से पहले हम चलेंगे, जैसे बस स्टैंड से अगर हम ई रिक्शा के माध्यम से अगर हम जाते हैं, टेम्पो के माध्यम से जाते हैं, तो हम सबसे पहले रोपवे प्लेटफॉर्म जो राधा रानी मंदिर से पीछे की ओर बना हुआ है, जहाँ बरसाने का मोक्ष धाम है, तो सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे, वहाँ टिकट कटाएंगे। अगर भीड़ है तो हमारे हाथ में कम से कम 2 घंटे का समय इसके लिए अवश्य चाहिए, क्योंकि अधिक भीड़ होने की वजह से टिकट की लंबी लाइन लगानी पड़ सकते हैं आपको। उसके अलावा रोपवे में बैठने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा एक लाइन लगाना पड़ सकता है। यदि हार्ट के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर है, घबराहट बेचैनी है, तो इसकी यात्रा आप कदापि ना करें। बच्चों को आप अगर अपने साथ लेकर जाते हैं तो बच्चों के हाथ को पकड़ कर रखें, इसकी गेट ना खोलें, क्योंकि कभी भी घटना हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम ऊपर से दिखा रहे हैं, इस समय हम ऊपर से राधा रानी मंदिर से नीचे की ओर जाते हुए ये रोपवे जो भक्तों को लेकर के आया, फिर वापस भक्तों को लाने के लिए जा रहा है। तो रोपवे का जो सुविधा श्रीधाम बरसाना में भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से कर दिया गया है। लेकिन अधिक भीड़ के समय अगर आप आते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको काफ़ी समय हाथ में लेकर के आना पड़ेगा, नहीं तो आप दर्शन से वंचित हो सकते हैं। कारण अधिक समय लंबा लाइन में लगाना, टिकट कटाना, उड़न खटोला पर बैठने के लिए आपको समय देना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको जानकारी ये लेना है कि हम कैसे जाएं, तो मैंने बताया कि आप बरसाने के मोक्ष धाम पूछ सकते हैं, कोई भी स्थानीय नागरिक से पूछ सकते हैं, रोपवे का स्टेशन आप वहां से टिकट कटा करके ऊपर श्री जी के महल के पास आप पहुंच सकते हैं और वहां दर्शन करें। टिकट दोनों तरफ का आप अगर पहले ही ले लेते हैं तो आप ऊपर आराम से आप मंदिर का दर्शन करें, श्री जी का दर्शन करें, मंदिर का आनंद लें, फिर पुनः वापस अपने मंदिर के पीछे जो बना हुआ प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप नीचे की ओर आ सकते हैं। अगर रोपवे किसी कारणवश ख़राब होता है तो इसके लिए सुविधा है, इमरजेंसी लैंडिंग कराने का सुविधा यहाँ पर खूब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आप भीड़ के समय अगर आप आते हैं तो आप स्वयं सीढ़ी से चढ़ें, आपके साथ अगर वृद्ध माता पिता हैं, वृद्ध अभिभावक हैं, उन्हें रोपवे से जाने दें। कारण कि दर्शन के लिए आप जल्द पहुंचना चाहते हैं तो आपको सीढ़ी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अन्यथा भीड़ के समय रोपवे से आप दर्शन से वंचित हो सकते हैं। तो यह जानकारी आपको अध्यात्म मीडिया के द्वारा मैं कन्हैया पांडे आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि यह चैनल आध्यात्मिक चैनल है, ब्रज दर्शन का चैनल है, ब्रज की सुविधाओं के लिए चैनल बनाया गया है।
आप इस दर्शन को अधिक से अधिक शेयर करें, इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें सॉरी, और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए श्री राधा रानी की।